सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ट्रेडिंग जोन पर। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ और ये स्ट्रेटजी इंट्राडे स्ट्रेटजी होने वाली है। जैसा कि आप लोगों में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताइए जो इंट्राडे भी हो और जिसमें बहुत ही ज्यादा कम मार्जिन लगे, 20 और 25,000 रुपीज के बीच में लगे, ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना दीजिए ताकि हम लोग भी उस स्ट्रेटजी को यूज करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने आप लोगों के लिए ऐसी एक स्ट्रेटजी डिजाइन करी है जिसमें आपका कैपिटल सिर्फ 25,000 रुपीज लगेगा एंड आप लोग अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकोगे इस स्ट्रेटजी को यूज करके। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस स्ट्रेटजी को कब बनाना है, कितने टाइम के लिए बनाना है, किस तरीके से बनाना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से इस चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि वो आगे आने वाले वीडियोस का भी बेनिफिट उठा सके। एंड अगर अभी तक किसी ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ एंड मार्केट में अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी वहां पर अपडेट होते हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इससे भी आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी। एंड एंड में मैं आप लोग को एक बार हमारे जो इंट्राडे एक्सपायरी बेस्ड इंट्राडे सेटअप है उसका बैक टेस्ट दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जुलाई मंथ सर आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जुलाई मंथ आपका कैसा रहा एंड जुलाई में आपने कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया इस सेटअप को यूज करके। तो ये हमारा पूरा बैक टेस्ट है एक्सपायरी बेस्ड इंट्राडे सेटअप का। इस सेटअप को हम लोग चार इंडेक्सेस में करते हैं, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स। फिन निफ्टी एंड निफ्टी में हम लोग इसको 3-3 लॉट पे करते हैं, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स पे इसको हम लोग 5-5 लॉट पे करते हैं। ये जो बैक टेस्ट आप लोग देख रहे हैं इस बैक टेस्ट में हमने 5 लाख का कैपिटल यूज किया है। बट अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए एंड इस पे ट्रेड करने के लिए तो आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होगा 70-80,000। अगर आप लोग 70-80,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हो तो इजिली बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पर डे का परफॉर्मेंस मिल जाएगा कि किस दिन हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया इस सेटअप को यूज करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 जनवरी को हमने लगभग 5,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, 3 जनवरी को हमने 7,500 रुपीज के आसपास प्रॉफिट किया, 9 जनवरी को हमने -4,200 यानी कि 4,200 रुपीज का लॉस बुक किया, 12 जनवरी को हमने 10,317 रुपीज का प्रॉफिट किया। तो इस तरीके से आपको पर डे का परफॉर्मेंस मिल जाएगा कि इस सेटअप को यूज करके हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चीज यहाँ पर मंथली बेसिस पे कि आप लोगों ने मंथली बेसिस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है। तो इस सेटअप को यूज करके हमने जनवरी मंथ में 12.5% का रिटर्न जनरेट किया, लगभग अपने कैपिटल के ऊपर 62,000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट किया। अब ये 62,000 रुपीज है ये हमने 5 लाख की कैपिटल के ऊपर यूज किया, तो 5 लाख रुपीज का 62,000 रुपीज होता है लगभग 12% के आसपास होता है। फरवरी में सेम चीज को हमने फॉलो किया एंड 10.5% का रिटर्न जनरेट किया, मार्च में 9% का प्रॉफिट, अप्रैल में हमने 11% के आसपास का प्रॉफिट किया, मई मंथ हमारा सबसे अच्छा क्या मतलब हमने 5 लाख कैपिटल पे अपना 14% का प्रॉफिट बुक किया, लगभग 70,000 रुपीज वहाँ पर हमने बुक करे। जून मंथ में हमने 9% का प्रॉफिट बुक किया, लगभग 46,000 रुपीज का। एंड जुलाई मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, 2 से 3 दिन यहाँ पर और रहेगा, यहाँ पर अभी तक हमने 8% के आसपास का प्रॉफिट कर लिया, यानी कि अपने कैपिटल के ऊपर लगभग 38,000 रुपीज के यहाँ पर हमने प्रॉफिट कर लिया। इस मंथ भी हम लोग का जो टारगेट होता है 8-10% का वो इजिली अचीव हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग हर महीने लगभग 8-10% के बीच का रिटर्न जनरेट कर रहा है इस सेटअप को यूज करके। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, इस सेटअप को यूज करके आप लोग कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हो। अब अगर आप में कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, वहां से आप लोग हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं एंड इसके जो भी चार्जेस है जो भी डिटेल्स है आप लोगों को पता चल जाएगी। ये एक पेड सेटअप है, इसकी फीस थी वन टाइम में बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो फीस आप लोग एक ट्रेड से रिकवर भी कर लोगे एंड ये सेटअप आपको लाइफ टाइम यूज में आएगा, यानी कि आप लोग लाइफ टाइम इसको यूज करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग की आज की स्ट्रेटजी की तरफ और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो इंट्राडे स्पेशल स्ट्रेटजी होने वाली है, ठीक है। इंट्राडे स्पेशल क्यों होने वाली, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को पर्सनली मैं खुद काफी ट्रेड करता हूँ और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करता हूँ एंड ये स्ट्रेटजी मैं पर्सनली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कोई एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बता दीजिए जिसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर सके और ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाला है स्ट्रेटजी में, तो इंस्ट्रूमेंट होने वाला है निफ्टी में। ये स्ट्रेटजी हमें सिर्फ निफ्टी में ही करना है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कि इसको निफ्टी में कैसे करना है, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे इसे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में किस तरीके से करना है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसे हमें निफ्टी के ऊपर किस तरीके से करना है, ठीक है। मार्जिन कितना लगेगा आप लोग को स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, तो मार्जिन लगेगा आपको सिर्फ
25K यानी कि 25,000 रुपए के आसपास का मार्जिन लगेगा आप लोग को इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। ठीक है, एंट्री अब करनी है आपको, एंट्री करनी है थर्सडे को मॉर्निंग में 9:30 AM पे। ठीक है, अब थर्सडे को क्यों करना है, क्योंकि एक इंट्राडे स्पेशल स्ट्रेटजी है और हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो थर्सडे के दिन होती है, इसलिए हम थर्सडे को मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास ट्रेड बनाएंगे। अभी हम लोग जब आगे चल के स्टॉक वॉक में देखेंगे तो अब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, एग्जिट कब करना है स्ट्रेटजी से हमें, तो एग्जिट करना है थर्सडे को 2 से 3 PM के बीच में। ठीक है, अब ये वेरी करता है आपके रिस्क एपेटाइट के बीच में, 2 से 3 PM के बीच में हम अपना ट्रेड क्लोज कर देना है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है स्ट्रेटजी में, तो स्टॉप लॉस होगा सिर्फ आपका 500 से 700 रुपीज के आसपास। ठीक है, टारगेट क्या करने वाले हैं स्ट्रेटजी हम लोग, तो टारगेट करेंगे हम लोग 3-5% का रिटर्न जनरेट कर सके मंथली बेसिस में इस स्ट्रेटजी को यूज करके। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होने वाला है स्ट्रेटजी हमारा, तो रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:3 के आसपास। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई कि स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टॉक मार्केट में और वहां देखते हैं कि स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अब मैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूं। अब स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इंडेक्स सेलेक्ट करना है, जिस भी इंडेक्स में आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करना चाहते हैं। आज के केस में हम लोग निफ्टी में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी ले लिया। अब ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है हमें, किसी भी थर्सडे के दिन हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो 18th of July को यहाँ पर थर्सडे, तो हमें मैंने 18th July की डेट ली। ट्रेड एग्जीक्यूट कितने बजे करते हैं हम लोग, 9:30 AM पे, तो यहाँ पर मैंने टाइम लिया 9:30 AM के आसपास। ठीक है, अब स्ट्रेटजी को बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीजें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बनाते समय सबसे पहले आप लोग को देखना है कि आपके इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। इस केस में मेरा इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,538 पॉइंट्स के आसपास, मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा ATM क्या होता है, 24,550 के आसपास का मेरा स्पॉट प्राइस हो जाता है। नाउ मुझे यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, यहाँ से मुझे 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है पुट साइड पे और एक पुट ऑप्शन बाय करना है। देन जहां पर मैं बाय कर रहा हूँ वहां से 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी और जाना है और वहां पर मुझे एक पुट ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, ये चीज मेरी पुट साइड के लिए रेडी हुई। अब सेम चीज मुझे कॉल साइड के लिए करनी है। मेरा ATM प्राइस चल रहा है 24,550, वहां से 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है कॉल साइड पे, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस आता है 24,650। तो यहाँ पर मैंने एक प्लॉट बाय कर लिया, देन वहां से 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके मुझे एक लॉट सेल कर देना और मेरी बेसिक स्ट्रेटजी यहां पर बनकर रेडी हो गई। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाना है। एक बार मैं वापस से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को बनाना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि आपके इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। जहां पर भी आपके इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है वहां से 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, एक कॉल या पुट ऑप्शन बाय करना है, देन वहां से भी 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है एंड एक कॉल या पुट आप लोग को सेल कर देना है। सेम चीज दोनों साइड पे करनी है और आपकी बेसिक स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक बार बाकी चीजें देख लेते हैं कि हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्स लॉस कितना हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये सारी चीजें एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग का एस्टीमेट मार्जिन 25,000 रुपीज के आसपास लग गया, तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपीज के आसपास ही लग रहा है। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है स्ट्रेटजी में, लगभग 8% के आसपास, यानी कि 2,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट आपको हो सकता है। ठीक है, मैक्स लॉस कितना हो सकता है आपको, हो सकता है 2% के आसपास, यानी कि लगभग 500 रुपीज के आसपास मैक्स लॉस हो सकता है। नाउ इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तब आपको पता होगा कि आप लोग का मैक्स लॉस कितना हो सकता है, और ये स्ट्रेटजी की खासियत है कि आपको पहले से पता होगा कि मैक्स लॉस मेरा कितना हो सकता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कितना होने वाला है, लगभग 1:4 के आसपास होने वाला है। ठीक है, अब मैक्स लॉस तो हमें पता चल गया 500 रुपीज के आसपास है, हम लोग अपने टारगेट किस तरीके से निकाले ये भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, टारगेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, जो भी हमारा मैक्स लॉस है उसको हमें ×2 कर देना है और वही हमारा टारगेट हो जाता है। तो इस केस में हमारा टारगेट क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैक्स लॉस 500 रुपीज है लगभग, तो यहाँ से इसको हम ×2 कर देंगे और वही हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस केस में हमारा टारगेट बैठता है लगभग 1,000 रुपीज के आसपास, यानी कि अगर आपको आपकी स्क्रीन में 1,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखता है तो आप लोग को वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, नाउ आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से निकालना है। ठीक है, नाउ सिंपली हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं 15 मिनट्स में कि इस जगह हमारा स्टॉप लॉस हुआ या टारगेट हुआ। ठीक है, तो मैं इसको 15 मिनट से आगे कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस डे पर हमें क्या हुआ। ठीक है, तो मैं 15 मिनट से इसको आगे करता हूँ, 168 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 489 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, टारगेट नहीं आया तो अभी हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। ठीक है, 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10:30 बजे के आसपास आपको 365 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10:45 AM के आसपास 475 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 11 AM के आसपास आपको 110 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 11:30 बजे के आसपास 77 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ये 12 बजे के आसपास भी। ठीक है, 12:30 बजे के आसपास 341 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 बजे के आसपास आपको 362 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
1:15 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपका टारगेट हिट हो चुका है। लगभग लगभग जो आपका टारगेट था 1000 रुपीज के आसपास का, वो यहाँ पर अचीव हो गया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना जो भी टारगेट हो रहा है उसको बुक कर लेना है। जो भी आपका M2M दिख रहा होगा वहाँ पर 1000 रुपीज ग्रीन में दिख रहा होगा, आपको सिंपली उसको बुक कर लेना। क्योंकि जो हमने टारगेट निकाला था अपना फॉर्मूला के हिसाब से, जो हमारा मैक्स लॉस था उसमें हमने इनटू 2 किया था, लगभग लगभग हमारा 1000 रुपीज का टारगेट आ रहा था, तो वहां पर अचीव हो रहा, तो हम लोग को सिंपली उसको बुक कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब हम लोग किसी एक और डे पे देखते हैं कि इस सेटअप ने हमें किस तरीके का रिटर्न जनरेट करके दिया, या फिर स्टॉप लॉस होता है हमारा। ठीक है, तो अभी हमने 18th of July को बनाया था, अब हम लोग 25th of July को बनाते हैं। ट्रेड एक्सिक्यूट टाइम क्या है हमारा, 9:30 बजे के आसपास हम लोग अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर, 24,250 के आसपास यहाँ पर हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे, 24,150 का एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे एंड 24,50 का एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे। सेम चीज हम लोग कॉल पे करेंगे, 24,350 का एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, देन वहां से 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे, 24,450 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। हमारी बेसिक स्ट्रेटजी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बाकी चीजें देख लेते हैं। मार्जिन 25,000 रुपीज के आसपास, मैक्स प्रॉफिट 7% के आसपास, मैक्स लॉस कितना बताया 700 रुपीज के आसपास, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 के आसपास। अब इस केस में हम लोग का टारगेट क्या होगा, मैक्स लॉस इनटू 2 करेंगे हम लोग, 700 इनटू 2 करेंगे तो वो आता है 1400 रुपीज के आसपास। यानी कि आपकी स्कीम में आपको अगर 1400 रुपीज ग्रीन में दिखता है तो आपका टारगेट होगा और आप लोग को सिंपली उसको वहां पर बुक कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको हाफ आवर में इसको आगे करने वाला हूँ और देखते हैं कि इस डे पे हमारा स्टॉप लॉस गया या फिर टारगेट हुआ। ठीक है, मैंने इसको हाफ एंड आवर आगे किया। ठीक है, 192 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 345 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, मैक्स लॉस तो हमें पहले से पता है कि हम लोग को इस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, 285 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, 308 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, 12 बजे के आसपास हम लोग लगभग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है। ठीक है, 134 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 बजे के आसपास लगभग लगभग 384 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1:30 बजे के आसपास 409 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 बजे यानी कि जब आपको एग्जिट करने का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, 2 से 3 के बीच में हमें अपना ट्रेड क्लोज करना है, तो इस केस में आपको 400 रुपीज का भी प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग 2 बजे बुक कर लेते तो इस दिन हमारा ना ही टारगेट हिट हो रहा है ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट फिर भी हम लोग अपना ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, लगभग लगभग 1.7% के साथ यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार 3 बजे भी देख लेते हैं हम लोग की स्ट्रेटजी को, अगर हम लोग 3 बजे तक होल्ड करते तो हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आता है। अगर आप लोग इस डे पर इस स्ट्रेटजी को 3 बजे तक भी होल्ड करते तो लगभग लगभग 2.3% के आसपास का रिटर्न बनता है। सेम चीज, स्टॉप लॉस भी नहीं हो रहा, टारगेट भी नहीं हो रहा, बट फिर भी आप लोग ग्रीन में यहाँ पर क्लोज कर रहे हो। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना और किस तरीके से स्ट्रेटजी को होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, स्टॉप लॉस कैसे निकलना है, टारगेट कैसे निकलना है। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन केस कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। एंड एंड में मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी कर रहे हो तो कम कैपिटल से करो, अगर आप लोग ज्यादा कैपिटल से करना चाहते हो तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि आप लोग अपने कैपिटल के ऊपर ज्यादा रिटर्न बनाने वाले हो और ज्यादा ही रिस्क लेने वाले हो, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा हाई होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस दिन हमें 2.3% के आसपास का प्रॉफिट बुक किया और रिस्क कितना लिया था हमने 2.9% के आसपास। ठीक है, तो अगर आप लोग बड़ी कैपिटल पे इसको कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसको सिर्फ 20-30% की कैपिटल पे यूज करो और फिर देखो आप लोग कि आपकी ओवरऑल कैपिटल पे कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग के पास अगर ज्यादा कैपिटल है तो इस स्ट्रेटजी में पूरा कैपिटल यूटिलाइज मत करो, 20-30% इस स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर कम कैपिटल है, 25,000-50,000 रुपीज है आप लोग के पास, तो आप लोग अपना 100% कैपिटल यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप लोग कितना कैपिटल यूटिलाइज करना है इस स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, नाउ वीडियो का एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो एंड एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचाए और हमारी कम्युनिटी और बड़ी बन सके। एंड एंड में मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा हमारे एक्सपायरी बेस इंट्राडे सेटअप के बारे में। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है उस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, आप लोग वहां पर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो और इसके जो भी चार्जेस है वन टाइम फीस उसको पे करके हमारा सेटअप ले सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। उस सेटअप में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है कि आपको सिर्फ 20-30% में करना है, आप लोग कितने भी कैपिटल पे उसको यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छा सेटअप है एंड इफेक्टिव सेटअप है, उसे यूज करके आप लोग 8-10% का रिटर्न इजीली बेसिस पे अचीव कर सकोगे। नाउ अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।